फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर एक गाने के शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर द्वारा बदसुलूकी से पेश आने और यौन शोषण करने की कोशिश का इल्जाम लगाने वाली तनुश्री दत्ता को बॉलीवुड से अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। तनुश्री को सपोर्ट करने वालों में सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, ऋचा चड्ढा, कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा जैसी बड़ी हस्तियां हैं। प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट करके लिखा, बिलीव वुमेन। इसके बाद प्रियंका ने एक और ट्वीट करके लिखा, द वर्ल्ड नीड टू बिलीव सर्वाइवर। जाहिर है कि बॉलीवुड से मिल रही इन तमाम तरह के समर्थन से तनुश्री काफी खुश है, मगर प्रियंका द्वारा उनके लिए सर्वाइवर शब्द का इस्तेमाल उन्हें पसंद नहीं आया। तनुश्री ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि प्रियंका ने बाकी की तरह मेरा समर्थन करने का फैसला किया। इस मौके पर ऐसा करना एक स्मार्ट वुमन का कर्तव्य है, मगर मैं सभी लोगों से ये बता देना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक सर्वाइवर के नाम से नहीं जानी जाना चाहती। मेरा एक नाम है, मेरी एक कहानी है और मेरे पास एक ऐसे सच है जिसे मैं बाहर लाना चाहती हूँ, ताकि आने वाली जनरेशन को इसका फायदा हो। साफ है कि प्रियंका का तनुश्री दत्ता को सपोर्ट करना तो अच्छा लगा, मगर उन्हें सर्वाइवर कहना कतई उन्हें रास नहीं आया। उधर कंगना रनौत भी खुले तौर पर अब तनुश्री के समर्थन में आगे आ गई हैं। कंगना ने कहा, कथित शोषण को लेकर तनुश्री द्वारा अपनी बात कहने के साहस की मैं प्रशंसा करती हूँ। ये उनका और आरोपी दोनों का बुनियादी हक है कि दोनों अपनी अपनी बात सामने रखें। इस तरह का संवाद बेहद जरूरी है और इससे लोगों में काफी जागरूकता आएगी। बता दें कि नाना पाटेकर इन दिनों जैसलमेर में हाउसफुल 4 की शूटिंग में व्यस्त है। तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर पर लगाए गए सभी इल्जामों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नाना ने कहा है कि जैसलमेर की शूटिंग खत्म कर वो जल्द लौटेंगे और इस मामले पर मीडिया के तमाम सवालों का जवाब देंगे और अपनी बात रखेंगे। उधर नाना पाटेकर के वकील राजेंद्र शिडोडकर का कहना है कि नाना पाटेकर पर लगाए गए तमाम इल्जाम बेबुनियाद और ऐसा करने के लिए वो नाना की तरफ से तनुश्री को नोटिस भेजेंगे। वकील का कहना है कि तनुश्री के बिना शर्त नाना से माफी नहीं मांगी तो उन पर आगे चलकर उचित कानूनी कार्रवाई किए जाने का फैसला किया जाएगा। इधर तनुश्री दत्ता को जब नाना पाटेकर के वकील के बयान के बारे में पता चला तो तनुश्री ने कहा कि ये उन्हें डराने की कोशिश है, मगर वो ऐसी धमकियों से डरने वाली और चुप बैठने वालों में से नहीं है।